श्री लोकुश त्रिवाजी जी और एक साथी और ये नाम नहीं याद आ रहा, मुख्य रूप से हम तीन लोग वहां से निकल के आए 2011 को। और लगभग 10-12 हजार लोगों को बुला करके मैं करने के लिए आप सबको बुलाया था, क्या हमारे हिंदू भाई भी है, हमारे मुसलमान भाई भी है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता हूँ कि जिससे ऊपर मेरे कलंक लगे, लेकिन मैं अपने मुस्लिम भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि देखिए तेजस्वी यादव आपका था, आपका है, आपका हमें भी कोई राजनीतिक लेन फान चाहिए। जब मेरे खिलाफ माननीय माता नारे जी और ये लोग हाथ धोकर के पड़ गए हैं इस मस्जिद में, आप ही लोग मेरे मार्गदर्शक हो, आप ही लोग मेरे सब कुछ हो, फैसला आप सबके हाथ है, आप लोग जो कहोगे वो चीज को याद कर लीजिए। हाँ भैया, आज आपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी, क्या उद्देश्य था? अब आप जानते हैं कि लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में रणनीति के तहत कैसे क्या किया जाए, और अपने साथियों को मैंने बुलाया था, आप साथियों ने कुछ अपनी राय रखी है, मैंने उनसे 4-5 दिन का समय लिया है, और भी साथियों से राय मशवरा करना है कैसे किस रणनीति के तहत काम किया जाए जिससे हम लोगों को फतह मिले, इस तहत हमने लोगों को बुलाया। आपके टिकट कटने का क्या कारण आप मानते हैं, क्यों आपको टिकट नहीं दिया गया? हमारी टिकट के कटने का कारण मात्र एक ही है कि सिद्धार्थनगर में एक तथाकथित समाजवादी नेता हैं जो हमेशा दूसरे दल की राजनीति किए हैं, लेकिन दिखाने में समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं। वो हमेशा हमको चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में इसका अहित हो और समाजवादी पार्टी में ये ना रहे। मैंने इस बात को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बताया था, वरिष्ठ नेताओं को भी बताया था। इस के तहत चूँकि हमारे लोगों में काफ़ी रोष है टिकट कटने की वजह से, तो मैंने बुलाया था, लोगों की राय लिया, 4-5 दिन का समय लिया है और लोगों से राय करके तब भी पूछा। आपका टिकट भी कट गया है, तो आगे की रणनीति क्या होगी, समाजवादी पार्टी के साथ में रहेंगे या फिर कहीं और से आप क्या करेंगे? देखिए, मैं बहुत एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैंने असली मालिक को आज बुलाया था, जो जनतंत्र का लोकतंत्र का मालिक है जनता। मैं अपने साथियों को आज बुलाया था, वो जिस हिसाब से जो राय हमें देंगे, जो करने के लिए कहेंगे, वो करेंगे।